ससुराल में बंधक बनाकर रखी गई एक महिला को उसके भाई ने पुलिस की सहायता से छुड़ा लिया, लेकिन 3 घंटे तक पुलिस थाने में कार्यवाही नहीं होने पर परेशान पीड़िता जब बेहोश होकर जमीन पर गिर गई तो उसे आनन फानन में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पीड़िता की भाई ने पुलिस पर कार्यवाही पे लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। कृष्णा के मुताबिक उसकी बहन की शादी दिसंबर 2017 में फार्मासिस्ट नरेश राठौर से हुई थी। मानवी के 1.5 साल का बच्चा है। ससुराल पक्ष दहेज के लिए आए दिन उसकी मारपीट किया करते थे। उसकी बहन के ससुर गोविंद दास राठौर पुलिस महकमे से रिटायर्ड हैं और उन्हीं की धौंस देकर वे प्रताड़ित करते थे। वहीं सिरोल थाने में पीड़िता के बेहोश होकर गिरने का मामला संज्ञान में आते ही IG राजा बाबू सिंह ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया है। मारपीट करी है सास ससुर और पूरे परिवार, मेरी बहन की। क्या नाम बहन का? माधवी। कितनी उम्र है? 30 साल। क्यों मारपीट की है? कुछ नहीं, वे मतलब में कुछ ना कुछ हो रहा है। मेरा 2-2.5 घंटे हो गए, कोई सुनवाई नहीं है। बहुत बिगड़ी हुई है, हालत सीरियस है उसकी। भैंस हो गई, हॉस्पिटल ले जा रहे। अच्छा, क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहता हूँ। आपकी बहन किस हालत में आई है? हाथ बंधे हुए थे, उसको निकाल के लेके आया हूँ घर से। सास ससुर और पति उसका और उसकी नंद वगैरह सब थी। कोई सुनवाई नहीं हुई। कितनी देर से खड़े हैं? 2.5 घंटा हो गया सर। महिलाओं बच्चियों की समस्याओं को लेकर मैं स्वयं बहुत संजीदा हूँ, बहुत गंभीर हूँ और मेरे सख्त निर्देश हैं कि बहुत ही संवेदनशीलता के साथ बच्चियों की शिकायतों को, पीड़ित महिला की शिकायत को सुना जाए। अभी आप मेरे को बताया गया है कि वहाँ पर कोई घरेलू हिंसा की शिकार महिला जिसके हाथ बंधे हुए थे उसको रिकवर किया गया था और थाने लाया गया था। संयुक्त था कि उनकी माँ भी पहुँच गई थी, माँ ने अपनी चुनरी से उसको ढक दिया था। पुलिस वालों से अगर कोई चूक हुई होगी, हालांकि थाना प्रभारी कह रहे हैं कि साहब ने तत्काल उनको मेडिकल एड के लिए भेजा, माँ भी आ गई थी और उनके ससुर और पति भी आ गए थे। ससुर ये क्लेम कर रहे थे कि वो उसका इलाज चल रहा है उसका मानसिक रोग का, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। पीड़ित महिला को हमेशा बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सुनना चाहिए और हमारी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है पीड़ित महिला की शिकायतों पर कार्रवाई, बच्चियों की शिकायतों पर कार्रवाई, और हम इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और मैं इसमें इसकी विस्तृत छानबीन कराऊंगा कि जो SOP है उसका पालन नहीं हुआ क्या, तो वो मैं दिखाऊंगा। ग्वालियर से उमेश वर्मा की रिपोर्ट।